स्कूल की पढ़ाई में मैथ्स और साइंस से पार पाना टेढ़ी खीर होता है, लेकिन अगर कोई आसान नुस्खा या मेथड मिल जाए तो इन विषयों की पढ़ाई मज़ेदार और आसान हो जाती है। पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश की है अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए मनीष ने। अलीराजपुर के सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं ये मनीष जैन। मनीष टीचर्स को समझा रहे हैं कि साइंस और मैथ्स को सरल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। आईआईटी छात्र रहे मनीष चाहते तो अमेरिका में अपनी जॉब से खुशहाली की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन मनीष ने संघर्ष की राह चुनी और भारत लौटकर देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई के सरल तरीके की ट्रेनिंग दे रही हैं। हमारे जितने भी कॉलेज हों या विद्यालय हों, अभी भी हम लोग चौक और टॉक की बातें करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हाथों से कुछ चीज़ बनाकर जब कोई चीज़ करी जाए तो जो आंखों में चमक पैदा होती है वो एक तरह का भूत, एक तरह का जुनून हमारे कक्षा में बच्चों के जब होगा तब हम देखिए कितनी प्रगति से आगे बढ़ेंगे। मनीष की ट्रेनिंग में शामिल टीचर साइंस और मैथ्स के जटिल फॉर्मूले को सरल तरीके से समझना सीख रहे हैं। शिक्षकों की पूरी उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग उन्हें बच्चों को पढ़ाने में बड़ी मदद करेगी। आज हम यहाँ पर विज्ञान कार्यशाला में आए हैं और यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि बच्चों को अध्यापन कार्य किस प्रकार से खेल खेल में करवाया जाए, कम समय और कम लागत में छोटे छोटे विज्ञान के मॉडल बनाकर विज्ञान की संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मनीष जैन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा भी शामिल हुए और मनीष के पढ़ाने के तरीके से प्रभावित हुए। स्कूल में आने के बाद लेकिन हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो एक मैकेनिकल तरीके से एक रोबोट के जैसे एक अनावश्यक डिसिप्लिन में बंध के और जैसा हम सिखा रहे हैं वैसा ही सीखे। ऐसे प्रकार के वातावरण में जो नेचुरल लर्निंग कैपेसिटी है वो हिंडर हो जाती है। विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें सभी में यही निष्कर्ष निकला है कि यदि बच्चों को खेल खेल में कोई चीज़ सिखाई जाए तभी वो इसको एंजॉय करते हैं और सही मायने में एक जो ज्ञान अर्जन है तभी हो पाता है। रट्टा मारकर याद करने और परीक्षा में नंबर लाने भर से हम किसी विषय से पैदा डर पर जीत नहीं हासिल कर सकते। खेल खेल में अगर जटिल फॉर्मूले को समझने की ट्रिक मिल जाए तो क्या कहने। यतिंद्र सिंह सोलंकी, बंसल न्यूज, अलीराजपुर।